देश में फिलहाल मौसम की वजह से सभी बदहाल हैं। इसी बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्र से मांग की है कि देश में 100 से ज़्यादा लोगों की बदलते मौसम की वजह से मौत हो गई है, इसलिए देश में इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। देश में कई सारे राज्यों में तापमान 50 के भी पार हो गया है, जिससे असहनीय गर्मी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से फिर 10 राज्यों में गर्मी बढ़ने की भारी आशंका है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा के नाम हैं। वहीं दूसरी ओर असम, त्रिपुरा, मेघालय, बंगाल और सिक्किम में बे ऑफ बंगाल में उथल पुथल के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। भारी बारिश के कारण पहले ही मणिपुर में कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। नम्बुल और इम्फाल नदी में बढ़ते पानी के स्तर के कारण ये सब हो रहा है। मणिपुर के इलाकों में तैनात सेना द्वारा राहत बचाव कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। वहीं जहां गर्मी के कारण लोग परेशान हैं, तो हिमाचल में शीतलहर और बर्फबारी की समस्या सामने आई है। हाल ही में मनाली में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे वहां तापमान काफ़ी गिर गया है। गुरुवार को मनाली में बर्फबारी हुई तो वहाँ आज रोहतांग में तेज़ बर्फबारी से पहाड़ों में मौसम में बदलाव आया। मौसम विभाग ने केरल के लिए भी चेतावनी जारी की है कि केरल में भी तेज़ बारिश होती रहेगी और फिलहाल वहाँ कोई राहत का आसार नहीं है।